रोड, मेन रोड ही लगती है कि? हाँ मेन रोड पे आना है भैया जी जी। तो कितनी देर में आ जाओगे? 5 मिनट। अपनी बाइक तो मैं दोस्तों वैसे सो गया, मतलब सोने जा रहा था, तो हे देखो 12:39 हो रहा है, राइड आ गई है, पास में ही है कस्टमर। ओहो कॉल आ रहा है, बात कर लेता हूँ, क्या कह रही है? हेलो। हेलो जी मैडम। भैया कहाँ पे हो आप? मैं अंदर हूँ, हम गली में पास ही दिखा रहे हैं। अंदर कहाँ पे हो? गली में, ये सुंदर फार्म हाउस वाली पहले गली है ना। हाँ सुंदर, सुंदर फार्म हाउस जो। जी जी, तो आपका सुंदर फार्म हाउस से एवीएस टावर देखा? हाँ 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 हाँ, एवीएस टावर, एवीएस टावर ही आना है आपको। मतलब मेन रोड पे आना है ना? रोड, मेन रोड ही लगती है कि? हाँ मेन रोड पे आना है भैया जी जी। तो कितनी देर में आ जाओगे? 5 मिनट में आ रहा हूँ, 2-4 मिनट। 5 मिनट, 2-4 मिनट, ठीक है भैया। आप आ जाओगे तो फिर कॉल कर लेना। ठीक है, ओके। हेलो, हाँ जी भैया, कहाँ पहुँचे आप? हाँ मैम, मैं एवीएस टावर के पास खड़ा हूँ। एवीएस टावर के पास? अच्छा ठीक है, 2 मिनट में आ रही हूँ मैं नीचे। जी जी, ओके। आ रही है जी मैम। मैंने तो ये भी नहीं देखा कि जाना कहाँ है, वो बज रहा था तो और बस उठा लिया जैसे भी। और आपने पता नहीं कल वाली वीडियो देखी है कि नहीं, जरूर देख लेना। मतलब मैं आरटीओ ऑफिस गया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि अपने बारे में बात करके जा रहे भाई लोग, ये लगा रखा है कैमरा ये वो। तो मैं आरटीओ ऑफिस गया था, वाला वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों, क्या हुआ था, कमर्शियल कराने गया था। तो टाइम देख लो एक बार, इसमें हो रहा है 12:42 और मेरे इसमें भी हो रहा है 12:42, 10 सितंबर, ऑलमोस्ट 2 मिनट होने वाला है। इसमें 2 मिनट का टाइमर चलता है, ये कैश की ट्रिप है ठीक है, और ऊबर में 2 मिनट के बाद अगर आप कैंसिल कर देते हो तो उसमें आपको जो है 7 या 7.5 रुपये मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं होती। आप भाई प्रीति जी के नाम से है ना? प्रीति के नाम से जी। चलो कहाँ का है? 59 है क्या? चलो ये 40-45 देता है भैया, ये आपका है। अरे वो हाँ ऊबर चला रहा हूँ भैया, ऊबर है। नाइट में देखो 12-10 के ऊपर ही मिलता है। अभी आपका 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5। अच्छा ज़्यादा मिलता है? अबे रैपिडो में तो कम मिल। अरे नहीं, नाइट में करना हो तो ओला और ऊबर से बढ़िया कोई नहीं है। अरे नहीं भैया, अच्छा अच्छा चलो देखेंगे करके। माइक्रो रहता वो कहाँ है? ये रहा है माइक, ये रहा। हाँ हेलमेट के अंदर माइक है। कितने देने आप देंगे भैया? 41 रुपये। रेटिंग दे देने बोलना है ना? बिल्कुल भाई, रेटिंग के इसमें। अरे चेंज दे दो, एक चेंज नहीं है, 30-34 रुपये पड़े हैं। अरे यार फोन पे वगैरह दे दो। फोन पे नहीं है भाई, बिल्कुल खाता मैं नहीं पड़ा। अरे यार मैं वॉलेट ही नहीं, मैं तो खाना खा के घर पे था, बिल्कुल मैं तो सोचा जाऊंगा नहीं, तब तक देख रहा हूँ तो ऑनलाइन ही छोड़ भूल गया हूँ। 5 स्टार की रेटिंग है भाई। भैया मुझे ये जो आए मेरे साथ बोल रहे भैया ऑफलाइन लेके जाया करो, ये जाया करो, भाई मैं तो तीनों चलाता था, ऑफलाइन ले जाता था, बहुत पैसा कमाता था। मैंने अच्छा भैया थैंक यू सो मच, बट मैं ऑफलाइन लेके नहीं जाता हूँ। जान पहचान हो तो चलो चल जाता है, अब रात को और वो भी ऑफलाइन लेके जाओगे डेंजर बात हो गया ना। ओला भी ऑनलाइन कर लेते हैं। जय गुरु जी। उनको छोड़ते दोस्तों फिर से राइड आ गई है, ये देखो ओला में हमें पिक करने के लिए जा रहा हूँ कस्टमर को। कस्टमर ने पूछा भैया लोकेशन पे हो? कह रहा हाँ भैया लोकेशन पे हैं, 12:22 जाना है, मैं आ रहा हूँ भैया। ये ममूरा की गलियां हैं दोस्तों। ओम भोले।
देखो 200 मीटर रह गया, कस्टमर ने कैंसिल कर दिया। 7.43 रुपीस जो है मुझे मिल गए कैंसिलेशन। पता ऐसे गली में जरा सा दूर रह गया था, बस पहुंच ही रहा हूँ उसके पास, तब तक कैंसिल कर दिया। कैसे कैसे लोग है भाई, जब कैंसिल करना था तो बुक क्यों किया, जबकि ये सारी गलियां मेरे मतलब ममूरा तो अपने को जानता हूँ पूरा, है ना। देखो मैं शॉर्टकट लेके आया 59 से यहाँ पे, बंदे ने कैंसिल मार दिया। अरे यहाँ पे भी तो हमारे एक राहुल भाई हैं, मैंने इनको छोड़ा था ऊबर में निज़ामुद्दीन से यहाँ पे। चलो दोस्तों पेट्रोल डलवा लेते हैं आज, क्योंकि मैंने कल डलवाया था वैसे 4 लीटर, तो 4 लीटर में मैंने काफ़ी चला भी लिया है, लगभग मेरी बाइक 155 या 154 किलोमीटर चल गई है। हाँ तो कभी भी ख़त्म हो जाए इससे अच्छा यही है कि पहले डलवा लो, रिजर्व में चल रही है ऑलरेडी। अगर राइड आती है तो देख रहे हो यहाँ पे रात को 1 बजे भी इतना मेला लगा हुआ है। ये गली नंबर 5 है चौहान ढाबा नोएडा का। अगर आप कभी भी नोएडा आते हो और आपको कहीं भूख वूख लग गया तो इस एरिया में आ जाओ, ओला उबर कुछ भी करके, तो आपको यहाँ पे खाना मिल ही जाएगा, है ना। चलो पल्ली साइड में पेट्रोल पंप है, पेट्रोल डलवाते फिर देखेंगे क्या करना है। तो फिर से राइड आ गई इंडस्ट्रियल एरिया 62। भाई इससे पहले भी जो था वो था कुछ, भाई ने कैंसिल कर दिया, ये भी कहीं कैंसिल ना कर दे तो पहले पूछ लूँगा आखिर जाएंगे कहाँ। भैया 10 लीटर फ़ोन पे है ना, हम उतर जाते हैं। ये लीजिए हाँ, लो बोलते कैंसिल भी कर दिया। वो पाउच है फिर है तो ये तो है, तो है ना ख़त्म है। अबे यार ला तो पावर दे दो फिर 10 लीटर। एक 1024 रुपये ना। ये लोग इतनी रात को यहाँ कहाँ घूम रहे हैं, मुझे लगा पेट्रोल पंप पे इम्पोल आए हैं क्या। 10 लीटर का 1024 रुपये ला। क्या चक्कर है भैया, कोई चक्कर है क्या? ये नोएडा है, चक्कर ही चक्कर होता है, नोएडा है क्या। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 1:08, ठीक है, और हमारे पास 2 रास्ता है, या तो मैं काम करता रहूं या फिर सीधा जाऊं घर। तो हम जाएंगे सीधा घर की तरफ, अगर राइड आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि इससे पहले अभी जो आपने देखा उसमें क्या हुआ, फिर से कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, और उससे पहले वाले में भी जस्ट पहुंचने वाला था और कैंसिल कर दिया। पता है रात को आप इतने 1:30 बजे बताओ, हम लोग राइड ले रहा हूँ मैं मान लो, और उसमें क्या होगा भाई 100% जब राइड ले रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा शुरू से यही रहा है कि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको ड्रॉप करता हूँ, कहीं भी जाए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भाई, काम कर रहा हूँ तो करूँगा। लेकिन कस्टमर नहीं समझता ये चीज़, क्या अगला बंदा आएगा उसका पेट्रोल जा रहा है कि नहीं, 103-104 रुपये पेट्रोल है, वो सब नहीं सोचता है अपना, वो तुरंत कैंसिल कर देता है। लेकिन जो हम लोगों की पेन समझते हैं ना, वो कभी ऐसा नहीं करते। फोन कर लो, क्या बात है यार भाई, नोएडा में इतना अच्छा रोड और सब कुछ है ना, मतलब मज़ा आ जाएगा, और आपको खास करके रात में चलाने का तो अलग ही मज़ा है। बट इस खूबसूरती को और इस इतना खुला रोड पा के ना, कुछ लोग जो अपने आपा से बाहर चले जाते हैं और वो एक्सीडेंट कर देते हैं, तो भाई इनको फील करने की ज़रूरत होती है ऐसे वादियों को, हवाओं को। हाँ हाँ, रात को ऐसी हवाएं मिलती है भाई एकदम मस्त, दिन में आपको पॉल्यूशन मिलेगा, रात को एकदम देखो क्या खुली खुली हवाएं लग रही है। हाँ हाँ, ये चीज़ फील करने का होता है। लोग क्या करते हैं एक्सीलेटर पे पैर दे देते हैं, अरे समझ जाओ भाई क्यों ऐसा करते हो। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना अपने भाई के एफर्ट पे। ओह अच्छा, थोड़ा सा इसका जो सेटिंग है ना, ये येलो नीचे जा रही है, ये वाइट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, चैनल पे नए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द